सर्वप्रिय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आशाओं को किया गया सम्मानित। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सर्वप्रिय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि सक्सेना द्वारा आज सैकड़ों की संख्या में आशाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि सक्सेना ने बताया कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाएं समाज की हिस्सा हैं। सरकार द्वारा महिलाओं को आशा के रूप में समाज में काम करने के लिए रखा गया। वहीं आशाओं को सरकार उचित वेतन नहीं देती है, जिससे आशाओं का परिवार नहीं चल सकता है। केवल आशाओं को सिर्फ 2000 रुपए दिए जाते हैं, जिससे उनका घर का गुजारा नहीं होता है। सर्वप्रिय समाज पार्टी की ओर से हमारी सभी बहनों का, जो नगर क्षेत्र की बहनें हैं, उनका एक आशा सम्मान समारोह रखा गया है। उसी आयोजन के रूप में कार्यक्रम इसमें कहाँ कहाँ की आशाएं, इटावा के अलावा जनपद और भी बाहर के हैं कि इटावा ही केवल? ये सिर्फ नगर क्षेत्र की आशाएं हैं और अन्य सभी ब्लॉक बाई ब्लॉक, देश वाइज, जिले वाइज जिले और प्रदेश वाइज प्रदेश ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। और आज से पहले कई ब्लॉकों में ये कार्यक्रम हो चुका है अपनी पार्टी के द्वारा। जो हमारे नगर क्षेत्र के जो पहले रह गए थे उनका कार्यक्रम आज किया, और इसी संगठन के द्वारा पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम बराबर जारी रहेगा, जब तक हमारी सभी बहनों को, जो उनकी आर्थिक अनुसार जो घर त्याग कर अपने आप को संघर्ष में डालकर और सभी बहनें एक दूसरी क्षेत्र में जाकर और उनकी सेवा करती हैं, उनको डोर टू डोर जांचती हैं, उसके उपरांत भी गवर्नमेंट यानी हमारी सरकार जो है 2000 रुपया प्रति माह देती है, जिसके उपरांत उनका भरण पोषण भी नहीं हो पाता। मैं सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 2000 रुपया जो आप प्रति हमारी आशा बहन को जो दे रहे हैं, उस 2000 रुपए में किसी एक सिंगल व्यक्ति का भरण पोषण करके देखें, वो तो पूरी फैमिली का 2000 रुपए में भरण पोषण। हमारा आपके माध्यम से सिर्फ यही उन तक आवाज़ पहुंचानी है अपनी सभी बहनों की कि प्रति माह के हिसाब से 15000 रुपया, प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपए अगर हमारी बहनों को मिले तो 15000 रुपए प्रति माह उनको वेतन दिया जाए। और जब तक एक शिशु की भांति उस माँ को संभालती है, जब तक उस आने वाले समय में बच्चा इस दुनिया में ना आ जाए, गर्भ धारण करने से लेके जब तक इस संसार में बच्चा नहीं आ जाता है, तब तक वो रक्षा करके उसकी एक शिशु बनकर एक माँ उसकी सेवा करती है, उसके उपरांत उसे क्या मिलता है? 9 महीने, यानी 9 महीने में 300 रुपये 400 रुपये प्रति आशा को दिया जाता है। आप कैलकुलेशन करें कि अगर हम 300 रुपये या 400 रुपये प्रति आशा को देते हैं एक डिलीवरी पर, तो प्रति दिन का कितना होगा? वो भी 300-400 रुपये प्रति बहन हमारी 9 महीने सेवा करती है, 9 महीने। अब 300-400 रुपये में अगर हम सरकार से ये कहें कि प्राइवेट नौकर भी एक रख लें, हम 400 रुपये नहीं, हम 1000 रुपये सरकार से कहेंगे कि हम खुद वेतन देंगे कि हमें एक 9 महीने के लिए एक ऐसा कोई कर्मचारी दे दें तो 9 महीने हमारा काम करे मात्र 300 रुपये। उसके उपरांत भी आए दिन बहुत सी समस्याएं हैं जिससे फैमिली अपने चलाने में इतनी असमर्थ हैं कि उन्हें अपनी फैमिली को डेकोरेट घर छोड़ती है, परिवार छोड़ती है। उसके उपरांत में समाज में भले भले भांति लोगों की ताने सुनती हैं, अच्छे बुरे लोगों से उनका भेंट होता है, कोई अच्छे व्यवहार उनके साथ करता है, कोई गलत व्यवहार करता है, फिर भी ये गारंटी नहीं है कि उनको इस बात की सम्मान समाज में दिया जा रहा है नहीं। हम तो आपके द्वारा एक ही बात पहुंचाना चाहेंगे सभी लोगों के माध्यम से कि हमारी जितने भी उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में जो आशा बहन हैं, वो हमें लाने का काम करती हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए कि जननी हमारी माँ है, किसी भी रूप में हो, बचपन से लेकर उस जन्म से लेकर आज तक हमारे साथ रही है। उसी ने हमें जब बोलना नहीं सिखाया तब मेरी आवाज़ समझती थी। अगर हम जननी यानी अगर हम माँ है तो वो भी एक औरत, अगर संसार में औरत ही नहीं होगी तो हमारा आपका आने का अस्तित्व कहाँ से? वही हमको यहाँ संसार में लेके आई। सबसे बड़ा देह उस औरत को जाता है कि संसार में स्वयं कष्ट झेल कर हमें संसार में लाने का सुख देती है। हम जो आज आप स्वतंत्र आपसे बात कर रहे हैं, हमें भी किसी न किसी माँ ने हमें पैदा किया, और उसी माँ के साथ में, उसी जननी के साथ में, उसी नारी के साथ में ऐसा सोचा। घर में माँ की पूजा करते हैं, मंदिरों में माँ के दरबार की पूजा करते हैं, लेकिन संसार में साक्षात हमारी जो हमारी देख रेख करती है, जिसी रूप में देवी रूपी रूप में जो महिलाएं हैं उनका हम अपमान करते हैं, ऐसे व्यक्तिगत संसार से हम क्या आशा रखें?
तो हमारा सभी बहनों से एक ही कहना और आप लोगों का उनका जो बात है, संवाद है हमारे उनके बीच में, बस आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि प्रति दिन के हिसाब से 500 रुपये और महीने के हिसाब से 1500 रुपये, 1000 रुपये प्रति डिलीवरी पर उन्हें अदा किया जाए, जिससे उनकी फैमिली अच्छे से जीवन यापन कर सके।